और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पियानो हारमोनियम प्ले। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जैसा कि आपने स्टार्टिंग में सुना होगा, उससे ही आपको अंदाज़ा लग गया होगा, जो राजस्थानी लोकगीत है और जो होली होली का गीत भी है, होलिया में उड़े रे गुलाल। तो आज इस सॉन्ग को हम बहुत ही सरल तरीके से मैं बताने की कोशिश करूँगा आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और दोस्तों, जो लोग मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और दोस्तों, और देर ना लगाते हुए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, ये सॉन्ग बहुत ही लोकप्रिय है और बहुत ही फेमस है, और होली के समय में बहुत ज़्यादा इसका प्रचलन होता है। तो मैंने भी इसको इसलिए सोचा कि आपको डालता हूँ ये वीडियो, तो कुछ आपको हेल्प मिलेगी सीखने में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम इस सॉन्ग के स्थाई की। तो हम सीखने वाले हैं एफ शार्प, हिंदी में तीसरा काला जिसे कहते हैं, जिसकी स्केल है माइनर स्केल है पूरी। तो ये देखिए, ये हम केवल इतनी सी की में प्ले करेंगे। इसका जो स्केल रखा है हमने, मैंने ये रखा है एफ शार्प तीसरा काला। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस सॉन्ग के स्थाई की। तो स्थाई में पहली लाइन है, होलिया में ओढ़े रे गुलाल। तो सबसे पहले इस लाइन को हम बजाना सीख रहे हैं, तो इसको भी हम आधा आधा करके सीखेंगे। सबसे पहले सीखते हैं इसमें से आधी लाइन, होलिया में, केवल यहाँ तक सीखते हैं होलिया में। तो देखिए, ये देखिए, ये आधी लाइन तो आपकी इस की पर ही हो जा रही है पूरी, होलिया में। तो देखिए, इसी को इसको केवल चार बार बजाएंगे तो आपका होलिया में यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए एक बार और, अब उड़े रे, ठीक है, उड़े रे, एक बार इसको बजाना है, दो बार इसको बजाना है, तो ये आपका उड़े रे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब आता है गुलाब, तो ये गुलाल आपका एक दो तीन यहाँ तक में कंप्लीट होगा। देखिए, दो बार इसको करना है गुलाल के लिए, दो बार इसको और एक बार इसको और एक बार इसको, बस। तो आपकी कंप्लीट लाइन इस तरह से पहली लाइन कंप्लीट हो जाएगी। तो देख बार एक बार कंप्लीट हम देख लेते हैं एक बार फिर से, होलिया में, ठीक है, आराम से देखिए, होलिया में ओड़े रे, ठीक है, फिर गुलाल। तो ये यहाँ तक पूरी लाइन कंप्लीट होगी। अब पूरी लाइन को हम एक साथ बजाकर बता देता हूँ आपको, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। होलिया में ओड़े रे गुलाल, देखिए देखिए, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ आपकी पहली लाइन कंप्लीट होती है। अब आती है दूसरी लाइन, दूसरी लाइन है कहियो रे अंगेतर से। तो इस लाइन को बजाना सीखे, बहुत ही आसान है दोस्तों, कहियो रे मंगेतर से, देखिए, कहियो रे,
ये कहियो रे आपका इन दोनों में हो रहा है, कहियो रे मंगेतर से। देखिए एक बार, ठीक है दोस्तों, कहियो रे इन दोनों पर है और मंगेतर से आपका ये की और ये की पर है। देखिए ठीक है दोस्तों, तो एक बार इस लाइन को कंप्लीट और देख लीजिए आराम से, कहियो रे मंगेतर से। ठीक है दोस्तों, अब हम स्थाई को पूरा कंप्लीट एक बार बजाकर देख लेते हैं, पहली लाइन और दूसरी लाइन को। होलिया में उड़े रे गुलाल, कहियो रे मंगेतर से, तो इस दोनों लाइन को हम एक साथ सीख रहे हैं। देखिए आई होप दोस्तों दोनों लाइन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों होगा क्या, जब सॉन्ग प्ले होगा तो ये जो लाइन, जो दोनों लाइन है, ये बजने के बाद यही लाइन एक बार और बजेंगी, तो जैसे ही 2 बार बज जाएंगी तो आपका जो स्थाई है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आता है आपका अंतरा। अब दोस्तों अंतरे में आप चाहें तो अंतरे को डायरेक्ट भी बजा सकते हैं, अन्यथा आप अंतरे के बीच में कोई भी म्यूजिक बजा सकते हैं, तो मैं आपको वो म्यूजिक भी बता देता हूँ, एक कोई भी म्यूजिक, तो आप चाहें तो उसे बजा सकते हैं, और नहीं बजाएं तो आप अपना पार्ट स्किप करके और डायरेक्ट अंतरा सीख सकते हैं। तो जैसे मैं म्यूजिक बता दूँ आपको एक, तो देखिए बहुत ही सरल है, इसको बजा के इसको बजाना है, फिर इसको बजाना है, इसको बजा के इसको टच करेंगे, यहाँ पर इसको देखिए साधारण रूप से ऐसा है। ठीक है, दूसरा वाला भी ऐसा ही है, तीसरा वाले भी ऐसा ही है, लेकिन आप जो कि पहले बजा रहे हैं उसके ठीक पीछे वाली की को टच करना है आपको, तो ये बहुत अच्छा लगेगा। देखिए एक बार इसको टच करिए, फिर इसको बजाएंगे तो इसको टच करेंगे, देखिए ठीक है दोस्तों। तो ये आप अंतरे से पहले आप इस म्यूजिक को भी बजा सकते हैं। देखिए एक बार इस म्यूजिक को पूरा कंप्लीट बजा कर दिखा देता हूँ मैं स्पीड से। तो आप इस म्यूजिक पार्ट को भी बीच में बजा सकते हैं, अगर आप नहीं बजाना चाहते हैं तो जो आपको अच्छा लगे वो भी आप बजा सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं अंतरे की तरफ। तो अंतरा में सबसे जो पहली लाइन है, म्हारी रे मंगेतर छुड़ला वाली, पहली लाइन है म्हारी रे मंगेतर छुड़ला वाली, तो इसको बजाना सीखिए। पहले अपन बजाते हैं म्हारी रे मंगेतर, देखिए पहली लाइन है म्हारी रे मंगेतर, ऐसी कुछ है, तो पहले हम देखिए इसको बजाते हैं। ठीक है, बहुत ही सरल है, तो इसको देखिए आप कैसे बजा रहे हैं, देखिए आप एक बार और देखिए आराम से म्हारी रे मंगेतर, और देखिए आराम से। ठीक है, फिर छुड़ला वाली, छुड़ला वाली को देखिए आधा, देखिए और देखिए आराम से छुड़ला वाली, पहले इसकी से इसकी पे जाना है, फिर इसकी से फिर ये पूरा यहाँ तक ये बजाना है छुड़ला वाली। ठीक
ठीक है दोस्तों, तो अंतरे का जो है वो पैटर्न दोनों का समझ में आ गया होगा आपको। तो पहले ये जो हमने सीखा है इतना, इसको ये एक साथ बजा लेते हैं। देखिए मैं आराम से बजा कर दिखा देता हूँ आपको। एक बार और देखिए आराम से। ठीक है, अब जो स्थाई में जो हमने बजाया था होलिया में ओ डरे गुलाल, तो सेम वैसी की वैसी जो आगे की लाइन है, घड़िया वारो रे नवाब, आगे की लाइन है घड़िया वारो रे नवाब। तो ये लाइन जो सेम जो हमने स्टार्टिंग में जो बजाई थी स्थाई में होलिया में ओ डरे गुलाल, तो वैसी ही बज जाएगी घड़िया वारो रे नवाब। ठीक, फिर वही लाइन आ जाएगी खइयो रे मंगेतर से। एक बार और देखिए इसको घड़िया वारो रे नवाब। तो दोस्तों देखा आपने कितना इजी है इस सॉन्ग को बजाना। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई सॉन्ग आपको होली से रिलेटिव सॉन्ग सीखना हो तो इस सॉन्ग के डिस्क्रिप्शन में भी आपको होली के और अन्य सॉन्ग का लिंक मिल जाएगा। और बाकी आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी, एक होली सॉन्ग के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से भी जाकर और भी होली के जो बहुत सारे जो सॉन्ग हैं उनको भी जाकर आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।